और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है। कोमल जी ने हमें कॉल किया है पंजाब से। कोमल जी, क्या सवाल आप करना चाहती हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, मुझे डॉक्टर ने पीसीओएस डिक्लेयर किया है जी। उस वजह से फेस पे काफी एक्ने है, हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर्स हो गए हैं जी। सिर में बहुत सारा, सिर में डैंड्रफ काफी रहता है, पूरे साल रहता है, हेयर फॉल प्रॉब्लम रहती है, उसके बारे में पूछना है। हाँ, देखिए, खूब ख्याल रखा करिए अपना, और एक दवा, एक रॉ मटेरियल मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको वो मिल जाए असली तो वो ख़रीद लें। सफ़ेद गोंद मोरिंगा। सफ़ेद इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें लाल भी मिलता है, वो नकली होता है। तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद आपको मिल जाए तो आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर आप पी लिया करिए, आपकी ये समस्या ठीक होना मुमकिन है। राहुल जी ने हमें कॉल किया है दिल्ली से, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल जी, किस तरह की परेशानी है आपके साथ, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी उम्र 21 साल हो गई जी। मेरा मतलब शरीर से 21 साल का लगता नहीं है, जैसे ऐसे लगता है 14-15 साल का बच्चा हूँ। हाइट भी नहीं बढ़ती। बिल्कुल। क्या करें सर, क्या करें मैम जी, क्या करें हकीम साहब, बहुत परेशान है राहुल। हाँ, देखिए, जो भी बच्चे और बच्चियाँ अपनी ग्रोथ की उम्र में, एक उम्र होती ग्रोथ की, देखिए लड़कियाँ 18 साल तक लंबी हो सकती हैं और लड़के 20-22 साल तक। अब आप, मैं अभी शायद गुंजाइश हो और इससे पहले फ़ोन करते तो बहुत फ़ायदा होता, लेकिन अब भी कोशिश कर सकते हैं आप। एक नारियल पानी रोज़ ख़रीदें और उसमें गोंद मोरिंगा ख़रीद लें, सफ़ेद वाला, लाल वाला नहीं, लाल तो बहुत मिलता है, नकली होता है। गोंद मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम एक नारियल पानी में मिलाकर रोज़ पिया करें। अगर गुंजाइश बाकी है तो आपको कामयाबी मिल सकती है, आपकी लंबाई बढ़ सकती है, आपकी ग्रोथ हो सकती है। और इस वक्त बन्नो जी ने हमें कॉल किया है, उनसे बातचीत करते हैं। बन्नो जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, हकीम साहब आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल कीजिए। बन्नो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, क्या मम्मी? हेलो। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए। हमारे मम्मी जी को क्या लकवा है? आपकी मम्मी को लकवा हो गया है? हाँ जी। अभी क्या हालत है उनकी? दवा मिल सकती है? अभी अभी क्या हालत है उनकी और कितने दिन हो गए? उनको लकवा हो गए सर, 2-2.5 साल हो गए। हालत बताइए उनकी क्या है अभी? हालत में बिल्कुल शुगर है उनको। नहीं, हालत मतलब लकवे में क्या हालत है, कुछ फायदा हुआ है? हाथ, एक हाथ और एक पैर नहीं है। थोड़ा बहुत चलता है हाथ पैर? हाँ, ये मतलब लकड़ी लेके मतलब लाठी से चले जाते हैं, वो धीरे धीरे घर में फिर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखिए, दवा एक है और उसके फायदे अनेक हैं। शुगर भी है उनको, और देखिए, जैतून का सिरका आता है, जैतून का सिरका, ये 3 चम्मच रोज़ाना पानी मिला के रात को पिलाया करें उनको, और डायबिटीज़ की दवा भी चलने दें। ये डायबिटीज़ को भी स्थिर रखेगा और वो ब्लॉकेज जिसकी वजह से लकवा होता है, दिमाग में ब्लॉकेज हो जाता है, चर्बी कहीं फंस जाती है खून के साथ, जिसकी वजह से लकवा होता है। तो ये एक खुराक या दिन में भी दे सकते हैं, 2-3 चाय के चम्मच पानी में मिला के जैतून का सिरका उन्हें ज़रूर दिया करें, एक बार या दो बार, काफ़ी दिन तक लेना होगा, आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहना मुमकिन है और लकवे का भी फ़ायदा मुमकिन है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दयावती जी ने हमें कॉल किया है राजधानी दिल्ली से। दयावती जी, क्या सवाल करना चाहती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, हकीम साहब जी। जी, आदाब सर। मैंने, मेरे 2 सवाल है सर जी। एक तो मेरे बेटे के लिए सर, मेरे बेटे का ना 32 साल की उम्र है और थायराइड है, नसें फूलती है और मुंह बहुत सोजन आ रहा है,
और छाती बहुत चौड़ी होगी और पेट बड़ा थल थल हो गया। ठीक है, और बताइए दूसरा सवाल। ये है जी, मेरा मिस्टर है, मैंने वो ये जतून का सिरका भी मंगाया है, वो पीते हैं, मैं भी पीती हूँ, और शुगर के लिए उनकी दवाई मंगाई है, और गोंद मोरिंगा और गोंदिया भी मंगाया जी हमें, तो ये गोंदिया खाने से ना 10 दिन में बड़ा आराम हुआ है, मेरे गर्दन में बहुत दर्द था तो आराम हो गया बहुत अच्छा। भाई वाह। और आपने एक बार एक्सरसाइज बताई थी, मैं देखती हूँ तो मैं वो करती हूँ, उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ है। और मेरे मिस्टर रात को ये लेते हैं गोंदिया, ये जतून का सिरका, तो उनको भी शुगर में ना बड़ा घूमते फिरते है, पहले ना तो सोते रहते थे बैठे बैठे। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और देखिए, मैं जो भी बताता हूँ उसमें फ़ायदा होता है, लेकिन असली मिलना चाहिए। आपने असली लिया और दुश्वारी से मिला होगा, और देखिए आपको एक हफ्ते में ही काफ़ी फ़ायदा हो गया। और कभी कभी कोई शिकायत भी करता है तो वो नकली गोंद अगर ले लेते हैं तो शिकायत का जिम्मेदार मैं नहीं, मैं कहता हूँ असली लेना है और आधा आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना है। और ये असली चीज़ें मिलती बड़ी मुश्किल से हैं, और हमसे आपको ये शिकायत होती है कि हम वक्त पर आपको नहीं दे पाते। दरअसल हमारे पास इतने ऑर्डर्स होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, किसी को मना भी नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा होल्ड करा लेते हैं। तो एक तो ये कि बहुत मुबारक और बहुत शुक्रिया कि आपने फीडबैक हमें दिया, हमें बड़ा हौसला मिलता है इस बात से। और ये बच्चा जो है आपका, उसका सवाल है आपका, तो देखिए ये बच्चे का थायराइड भी जा सकता है। और एक बड़ा अच्छा नुस्खा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जितने नुस्खे मैं जानता हूँ उनमें अच्छे नुस्खों में, धनिया 300 ग्राम, धनिया जो दाना होता है 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ, और 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला, लाल नहीं लेना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं अगर लाल लिया तो, क्योंकि वो नकली होता है। इसको आप पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच खाएं, सबसे पहले उसका थायराइड जाएगा। और गोली भी खाएं जो डॉक्टर देता है, और हर महीने डॉक्टर उनकी गोली की पोटेंसी कम करेगा और बहुत जल्दी थायराइड चला जाएगा। तो वो जो पेट हो गया एकदम थल थल और सीना बहुत चौड़ा हो गया और वज़न बहुत ज़्यादा हो गया, थायराइड कंट्रोल होकर कम होगा। और खाने पीने की कमी करें, 1 घंटा पैदल चलें धूप में, गर्म पानी रोज़ पिए 5 बार कम से कम, तो इस बच्चे का भी ठीक होना मुमकिन है। कफील साहब ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से, आइए जानते हैं उनकी समस्या क्या है। कफील साहब पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर नमस्कार। आधा वर्ष कफील साहब। डॉक्टर साहब, ये हम पी केयर के अलावा क्या जैतून का सिरका भी ले सकते हैं प्रोस्टेट में? अच्छा, हेलो। जी जी, हाँ देखिए ले सकते हैं, एक टाइम लीजिए, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। ये पेट की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या, लीवर की समस्या और डायबिटीज़ नहीं होने देता, अगर नहीं है तो फिर होने नहीं देता। अगर वो लोग जो ये चाहते हैं हमें डायबिटीज़ ना हो, उन्हें कभी कभी ये सिरका ज़रूर लेना चाहिए। ये अगर लिया जाए तो डायबिटीज़ मुक्त भारत हो सकता है। तो अगर हम खाने में ले लिया करें, जैसे हम सलाद लेते हैं ना, तो सलाद पे 1-2 चम्मच डाल के सलाद का यूज़ करें, या अपने सब्जी सालन में इस्तेमाल करें, तो जो रोगी नहीं है वो भी ले सकते हैं। इसके लेने वालों को डायबिटीज़ कभी नहीं होती, ऐसा मेरा तजर्बा है। और कोई भी निरोगी भी इसको ले सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इससे अच्छा सिरका अपने अनुभव में कहीं नहीं देखा। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, योगेश जी ने हमें कॉल किया है, उनकी समस्या क्या है, बीमारी क्या है, उनसे बातचीत करते हैं। योगेश जी स्वागत है आपका, और सवाल क्या करना चाहते हैं आप पूछिए। जी सर, मेरे तालियों में दर्द होता है 15-20 साल से बहुत ज्यादा, सिर के बीच में ऊपर बहुत परेशान होता हूँ, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। क्या बताया डॉक्टर ने आपको, क्यों होता है दर्द? डॉक्टर ने कोई रीजन नहीं बताया, सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवा लिए पर रीजन कुछ भी पकड़ में नहीं आता। अच्छा, एज कितनी है आपकी योगेश साहब? 48। अच्छा देखिए, बहुत तकलीफ आपने उठा ली,
एक मैं एक्सरसाइज बताता हूँ और एक दवा भी बताता हूँ। देखिए एक्सरसाइज गौर से देखें मेरी, कि ऐसे सीधा बैठें और ये कान आपके मोंढे से मुलाकात करने के लिए जाए, मोंढा वहीं रहे। कुछ लोग ना ऐसे मोंढा उठा के कान इससे मिला देते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा हमें 2-3 मिनट रोज़ाना करना है, ठीक है। और इसे खूब ज़ोर से मोड़ दें, यहाँ तक मोड़ें और यहीं देखें, ये भी 2-3 मिनट करना है। ये तो आज से करेंगे तो 10 दिन बाद आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा और दर्द में कमी ज़रूर आती है। और एक खुराक आप रोज़ाना लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, रोज़ाना लिया करें। बस एक खुराक खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से या गाजर के जूस से आप ही लेना शुरू करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। और इस वक्त मध्य प्रदेश से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो मैम। नमस्कार जी, नाम बताएं। हाँ जी जी, सवाल क्या है आपका? जी मेरे राइट साइड का अंड कोश में सूजन है। जी सूजन है कहाँ? राइट साइड के अंडकोश में सूजन है इनके। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो आप या तो लंगोट बांधा करें, पुराने टाइम में तो हम लोग लंगोट बांधते थे, अब उसकी जगह स्किन टाइट नेकर आ गया, वो पहना करें। और खशखाश लें, खशखाश लें आप 100 ग्राम और 200 ग्राम आप लें अलसी, खशखाश 100 ग्राम 200 ग्राम अलसी और 100 या 200 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, इसका पाउडर बनाएं और खूब बारीक पाउडर बनाएं, सबको रॉ मटेरियल ही लें। और एक चम्मच सुबह रोज़ाना गर्म पानी के साथ लिया करें, स्किन टाइट नेकर पहने या लंगोट बांधें। लंगोट आप नहीं समझते तो सर्च कर लें लंगोट क्या होती है, सबसे सेफ लंगोट होती है। अब लोगों ने लंगोट बांधना बंद कर दिया, नेकर पहनने लगे, तो उसकी जगह स्किन टाइट नेकर आए हैं। और वज़न उठाने का परहेज किया करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। उत्तर प्रदेश से शीला जी भी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। शीला जी आपकी समस्या क्या है, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी। नमस्कार। आदाब। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कई उससे महीनों से फोन कर रही हूँ, आज मेरा फोन लग गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था हार्ट का। अच्छा, और जो हकीम साहब दवाइयाँ बता रहे हैं ना, मैं सब रजिस्टर बनाए हुए और मैं लिख रही हूँ और मैंने बना भी लिए और खा भी लिए। अच्छा, वहाँ पे मैंने जब फोन आया तो उन्होंने कहा कि काला गोंद मंगवा लो, तो मैं हकीम साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं काला गोंद मंगवा सकती हूँ, जब से उसका सिरका मंगवा सकती हूँ, खा सकती हूँ? आपको आपको कोई प्रॉब्लम है दर्द की? मेरे ना हकीम साहब घुटने के नीचे जो पिंडली होती है ना वो सूज गई थी, फिर उसमें दर्द हो रहा था, मैं 2 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती थी। जब से मैंने आपकी ये अलसी और जो आपने गांठों वाली दवाई बनाई थी वो बना के मैंने खाई और कई जनों को मैंने दी भी है, और तब से ना मेरा पैर तो मैं ऐसा है ठीक चल रही हूँ, जरा पैर उठा के चलती हूँ और वैसे दर्द नहीं है, पैर उठा के चलना पड़ता है मुझे अब। ठीक है ठीक है। हाँ तो वो जो नुस्खा है आपका उसमें गोंद भी मिला सकते हैं। गोंद ना दुनिया की सबसे ताकतवर रॉ मटेरियल है। अगर जो नुस्खे से वैसे आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन अगर कुछ गुंजाइश रहे तो इसमें गोंद भी मिला सकते हैं। गोंद इतना मिलाएं कि आधा ग्राम एक वक्त में आपके पेट में पहुंचे। ये अकेला भी यूज़ कर सकते हैं और जो नुस्खा आपके साथ है उसमें भी मिला सकते हैं। जो नुस्खा आप मिलाएंगे तो उसमें आधा ग्राम आपके पेट में इसकी खुराक जानी चाहिए उन दवाओं के साथ, तो आप मंगा सकते हैं काला गोंद। और बहुत अच्छा लगा, आप जैसी महिलाएं मेरे साथ लाखों जुड़ी हुई हैं जो रजिस्टर बनाती हैं, लिखती हैं, पहले खुद आजमाती हैं,
फिर दूसरों की सेवा करती हैं, फ्री में ही दवाई दे देती हैं दूसरों को, पूरे ख़ानदान में उनका नाम होता है और मेरे नुस्खे उनको पहुंचते हैं और मुझे इत्मीनान होता है कि अगर देखिए सबको तो जाना है अपने भगवान के पास, अब मेरे बाद मेरे नुस्खे आप जैसी महिलाएं जो हमारी दोस्त के लीजिए, हमारी बहन के लीजिए, हमारी बहुत पाक रिश्ता है, तो इनके पास रह जाएंगे, मेरे बाद आप सेवा करेंगे पूरे समाज की। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जैसी लाखों महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और आप ऐसे ही सेवा करती रहिए और भगवान सबको देख रहा है, मुझे भी और आपको भी, इसका ज़रूर पुण्य मिलेगा आपको भी और मुझे भी। तो ये काम इल्म का काम है, सेवा का काम है, जितना फैलाएंगे इतना ही भगवान खुश होगा और वो खुश होगा जो दुआ देगा आपको, वो सीधा आसमान पर जाकर काम करेगी, आपके घर में बहुत खैर बहुत सुरक्षा रहेगी, कहीं ना कहीं आपको इसका पुण्य मिलना ज़रूर है।